अपने पूरे जीवन काल में फणीश्वरनाथ रेणु केवल समाज के लोगों की भलाई के बारे में सोचते और लिखते। इसलिए जब 1975 में इमरजेंसी घोषित की गई तब तुम लोगों का हक तुम्हें मिलकर रहेगा। लेकिन कैसे बाबू, कौन सुनता है हमारे दुख? वो सुनेंगे भी और कदम भी उठाएंगे। मैं लिखूंगा तुम लोगों की तकलीफों के बारे में, देखते हैं सरकार कैसे नहीं सुनती है। पूरे गांव वालों को इकट्ठा कीजिए और उनको बोलिए कि हम लोग सरकार के खिलाफ एक यात्रा निकालेंगे और इसका लेखन मैं अपने लेख में करूंगा ताकि पूरे जनता को इस बारे में पता लगे। पराधीन भारत से लेकर स्वाधीन भारत तक रेणु बस लिखते रहे। उस समय देश में जो हवा चल रही थी उसके साथ बहकर उन्होंने अपनी कलम के जरिए आंधियों का भी रुख मोड़ दिया था। हाँ, ये बात है कि उस दौरान वो थोड़े थके होंगे, लेकिन हारे कभी नहीं। क्या था उनमें, क्या था उस संघर्ष के दौरान जो रेणु को सुकून देता था? देखिए, उनका कनेक्ट करने का जो धागा है वो उनके पात्रों का मन है, उनके पात्रों की बनावट है। उनके हीरा मन के हाथ में अगर मोबाइल होता तो भी वो हीरा भाई को फोन नहीं करता, वो नहीं सताएगा। वो जानता है कि अभी मैं अनाधिकार कोशिश कर रहा हूँ, ये मेरी दुनिया नहीं है। तो वो विज्ञान के युग में हो, मंगल ग्रह पे हम जा रहे हैं, उस युग से उनके पात्रों के मन का कोई लेन देन नहीं। वो लाल पान के बेगम की दुनिया हो, उनके मृदंगीय का जो मर्म है वो हो, उसमें कोई ऐसी स्थिति नहीं आई है जिसमें आप ये कह दें कि नहीं नहीं ये तो बदल गया और कहानी पुरानी हो गई। हालांकि हम लोग व्यक्तिगत तौर से ये कामना करते हैं कि प्रेमचंद का गोदान जो है आउट ऑफ डेट हो जाए, क्योंकि किसानों की समस्या अलग हो जाएगी। हमें चाहते हैं कि महिला अंचल आउटडेटेड हो जाए, क्योंकि उस अंचल की समस्याएं बदल जाएंगी। बावजूद इसके जैसे वहाँ भारत आज भी कनेक्ट करता है, आज भी द्रौपदी की समस्या जुड़ती है, आज भी विदुर की तकलीफ, आज भी अर्जुन की उलझने भी कनेक्ट करते हैं। वैसे रेणु के जितने भी पात्र हैं वो तो मनोवैज्ञानिक रूप से इतने सुगठित हैं, उनमें समय और युग का कोई भेद और फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि वो ऐसे ही एक्ट करेंगे। वो बदलने वाले पात्र नहीं है और वो परिस्थितियों बस ऐसे नहीं है, वो आंतरिक संरचना उनकी ऐसी है। अगर वो मुंबई भी आ जाए वो कैरेक्टर, या वो कैरेक्टर कहीं और भी चले जाए तो भी उनकी कनेक्ट की दिक्कत नहीं आएगी, वो उसी तरह से आधुनिक और समकालीन बने रहेंगे। ये जो डिक्शन पकड़ना, असल में यही उस कहानी को उसमें चार चांद यही चीज़ लगाती है। असल वरना तो आप कमरे में बैठ के भी वो कहानियाँ कह सकते थे कि भाई ये राजनेता बेकार है और ये आदमी अच्छा और ये बेकार है। ये वो बेकार क्यों है और बेकार कैसे होता है, या अच्छा क्यों है और अच्छा कैसे होता है, वो उसके हाव भाव बोल चाल सब कुछ से समझ में आता है। वो कैसे आँख दिखाता है, वो कैसे दूसरे को घूरता है, ये सारी बातें पकड़ना, वो केवल आप भाषा पकड़ना नहीं है, उस पूरे चरित्र को पकड़ना है। और जितना बेहतर आप उसके चरित्र की भाषा को पकड़ेंगे आप उसके चरित्र को पकड़ लेंगे। जैसे कोई घूरते हुए जब चिल्लाता है या गुस्सा होता है, तो जैसे कई लोग गुस्सा होते हैं तो हंसने भी लगते हैं, कई लोग गुस्सा होते हैं तो उनको आंसू भी आ जाता है, तो वो हमें बताना पड़ेगा ना। और इसीलिए वो बहुत अच्छा है कि वो उसको उसी भाषा में पकड़ पाए जो उसका ओरिजिनल रॉ फॉर्म है, अदरवाइज तो सब उसमें फिर दिमाग लग जाएगा ना। ये कोई भी कलाकारी नहीं करनी है, वहाँ लिखना नहीं है, वहाँ पे जो हुबहू है उसको उतार देना, वही लिखना है, और वही तभी ईमानदारी के साथ कर पाएंगे। और वो उन्होंने बहुत ही अच्छे से किया, वो उसको अलग लेवल पे लेके गए। और बाकी उन लोगों ने नए जो राइटर्स हैं उनके लिए भी रास्ता खोला कि हम उसी भाषा में बात करें, ऐसा ना हो कि वो अच्छा गांव का आदमी है तो वो वैसे ही बोलेगा, ये स्टीरियोटाइपिंग है। वो क्या बोलेगा वो भी हमें बताया, और उसने हमारा मज़ा दोगुना चार गुना दस गुना किया उन चीज़ों का, उसको समझने का वो कैसे क्या चीज़ें हो रही थी उस समय। जहाँ समाज जागरूकता रेणु का मकसद था, वहीं प्रकृति के प्रति प्रेम उनकी प्रेरणा थी, और यही वजह हो सकती है कि उन्हें ग्रामीण जीवन बहुत अच्छा लगता था और वहाँ प्रकृति की कोई कमी नहीं थी। और इस बात का उल्लेख उन्होंने अपनी किताब में भी किया है। उनका जो कहानी सुनाने का ढंग है वो एकदम अनोखा है, और सुनाने के बाद पकड़ लेने का, आपके भीतर जो एक उत्सुकता बने रहती है कब क्या हो, चाहे उनकी कहानियां तीसरी कसम में हो या महिला अंचल का वर्णन हो, वो आपको छोड़ता नहीं, आपको लगता है कब क्या होगा, क्या हीरा मन जो है वो हीरा भाई का मेल हो जाएगा।
या किसी भी कसम खाने को बात जो है जो कहानी में बहुत देर के बाद होती है, या आप लगातार मैं इस उत्सुकता में बने रहते हैं कि डॉक्टर और उसकी दुनिया कैसे बदलेगी, या वहाँ के किसानों और वहाँ के लोगों के जीवन में अब क्या घटने वाला है।